अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मिसेज़ रियाज। आज मैं मौजूद हूँ क्यूज़िन टुनाइट रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल न्यू ओपन हुआ है। आज हम आपको दिखाने लेकर आए हैं इनके ज़बरदस्त फूड आइटम्स। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हैं इनके बारबेक्यू आइटम्स, जो कि लाइव बारबेक्यू हो रही है। ये इनका लाइव बारबेक्यू चल रहा है और मुझे देख के मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे चलते हैं तो यहाँ लाइव कढ़ाई बन रही है, चिकन रेगुलर कढ़ाई बन रही है, जो कि इसकी बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं ये भी हर काम यहाँ पे लाइव हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये एंट्रेंस है रेस्टोरेंट का, और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और इन लोगों ने हमारा वेलकम बहुत ही अच्छा किया था। ये यहाँ पे चपातियाँ बन रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा वेलकम किया गया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही इंस्पायर हुई। तो अंदर चलते हैं हम लोग, आपको मैं दिखाती हूँ अंदर का व्यू, अंदर का इन्वायरमेंट दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा माहौल बनाया हुआ है इन लोगों ने। और आप लोग भी ज़रूर आइएगा, यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और आगे खाने का भी रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी, और बच्चों का छोटा सा प्ले एरिया भी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना, वो यहाँ पे इनका छोटा सा एक वेटिंग एरिया लगा है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। ये इनका कैश काउंटर है, जो भी बिलिंग वगैरह होती है, जो कि आपको मतलब डायरेक्ट बात बात करनी होती है तो ये आप इनसे बात कर सकते हैं और कैश पे करते हैं। ये आ गया जी छोटा सा एक वेटिंग एरिया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और अमूमन रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। देख सकते हैं आप इनका इंटीरियर, देख सकते हैं कितना इन लोगों ने ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग की हुई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि रूफ टॉप पे भी इन लोगों ने अपना सेटअप डाला हुआ है और बहुत ही अच्छा डाला हुआ है, जो कि ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे लड़के वगैरह होते हैं, लेकिन फैमिलीज़ भी थी वहाँ पे। ये अब हम रूफ टॉप पे जा रहे हैं, रूफ टॉप पे एक छोटा सा बच्चों का प्ले एरिया है और ड्रिंक्स वगैरह का छोटा सा एक पोर्शन बनाया हुआ है और एक लड़कों का पोर्शन बनाया हुआ है, और बड़ा ही ज़बरदस्त सा माहौल है इनका और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये छोटा सा प्ले एरिया आ गया बच्चों का, छोटे बच्चों का है कि थोड़ी देर के लिए बच्चे जो है वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटा सा एक इनका ड्रिंक का एक काउंटर टाइप का आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए आप इस यहाँ से ले सकते हैं। बाकी राइट साइड पे प्ले एरिया के सामने जो है वो फैमिलीज़ बैठी हुई थी, उनकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। और यहाँ पे जो है वो लड़के वगैरह बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं खुद ही रूफ टॉप पे बहुत ही अच्छा सेटअप डाला हुआ है इन लोगों ने। चलिए जी, ये आ गया है हमारा खाना, और इसमें सैलेड बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी प्रेजेंटेशन, और वेटर्स वगैरह की सर्विस बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फास्ट सर्विस थी इन लोगों की, मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने यहाँ पे ब्रोस, जिंगर, टिक्का और रोल मंगवाया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा और कोई कंप्लेन नहीं आई। तो भाई मैं तो आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हर चीज़ मुनासिब कीमत में है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे रश लगा दें, ज़बरदस्त यहाँ पे टेस्ट है, बहुत ही मैं तो बहुत ही इंस्पायर हूँ। और यहाँ का नाश्ता भी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इंशाल्लाह नाश्ते की भी वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्द और आप लोगों को रिव्यू दूँगी। और इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो लोकेशन है वो सूट नंबर B35 आर्किटेक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में है। और बाकी जो गूगल के थ्रू जो लोकेशन है वो मैं पिन कर दूंगी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, तो आप ज़रूर आइएगा, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में।
انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.